अस्सलामुअलैकुम, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। ये इंटेलिजेंस टेस्ट की प्रिपरेशन का पार्ट 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 16, मार्च इज़ टू 31/3 एंड जून इज़ टू, तो 31 कितने डेज़ हैं मार्च के मंथ में, और 3 मार्च जो है वो थर्ड मंथ है, तो जून जो है वो सिक्स मंथ है और इसमें 30 डेज है, तो ऑप्शन ई इज़ करेक्ट। नेक्स्ट, व्हाट डिजिट इज़ मिसिंग इन द लास्ट नंबर। ठीक है, इन्होंने 834 डिवाइडेड बाई 92, इसको फिर इस नंबर्स को ऑपोजिट करके रिवर्स करके 438 डिवाइडेड बाई 29, अब 236 के और डिवाइडेड बाई 45, तो नेक्स्ट आएगा 632 डिवाइडेड बाई 54। तो इन्होंने कहा कि 63 के आगे क्या आता है, तो 63 के आगे 2 आएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ डिफरेंट फ्राम द रेस्ट, इन्फेंट बेबी होता है, एडल्ट बालिग होता है, चाइल्ड भी बच्चा होता है, न्यू बॉर्न भी बेबी होता है और बेबी भी बेबी होता है, तो बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। देन है क्वेश्चन नंबर 19, इफ़ क्रैट इज़ टू एक्स क्रैट देन क्यूट इज़ टू एक्स क्यूट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ डिफरेंट फ्राम द रेस्ट। सेपरेशन का मतलब है अलग करना, स्प्लिट का मतलब है अलग करना, डिवाइड का मतलब है तकसीम करना, गैप का मतलब है फासला देना, और यूनियन का मतलब है एतिहाद। तो जो ऑप्शन ई है इसका मीनिंग बकाया सबसे डिफरेंट है, तो ऑप्शन ई करेक्ट है। देन व्हाट नंबर कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज, तो आपको दिए 4, 3/8 और 9, इन चारों को प्लस करो 24 आएगा, 13, 8, 10, 3 को प्लस करो 34 आएगा, 19, 10, 10 और 3 को प्लस करो 42 आएगा। नेक्स्ट है व्हाट नंबर कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज, 63 के आगे 3 है, 44 के आगे 0 है, 9 के आगे 1 है, तो 63 में 6 में से 3 को माइनस करें 3 आ जाएगा, 4 में से 4 को माइनस करें 0 है, 9 में से 1 को माइनस करें 8 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, तो इसके लिए आपको अल्फ़ाबेट्स लिखने होंगे। अब जो है 8 + 3 - 4 = जी, ठीक है, अब ए से काउंट करें, ए 1, B 2, C 3, D 4, E 5, F 6, G 7 और H 8। अब H में 3 प्लस करें तो I J K पर आ गया, K में से 4 माइनस करें J I H G, तो ये G के इक्वल हो गया। सेकंड में भी यही है कि 1, 2 B आ गया, ठीक है, उसमें 12 ऐड करें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 N आ गया है, फिर माइनस 2 कर दें 1 और 2, L पे आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद 22 आपने, अब ए बी सी में काउंट करना है कि 22 कहाँ आता है, फिर उसमें 4 ऐड करना है, फिर उसमें से माइनस 3 कर देना है, तो W आ जाएगा। नेक्स्ट है 13 आता है M पर, ठीक है, उसमें प्लस 1 कर दो N आता है, ठीक है, फिर माइनस 10 कर दो F आता है, नहीं सॉरी D आता है, तो D ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ये देखिए मैंने काउंटिंग ऊपर लिख दी है, तो M जो है वो 13 पर बन रहा है, तो 13 में प्लस 1 करो तो 14 आ गया, N आ गया, फिर माइनस 10 करो तो D आ गया, 4, D 4 पोजीशन पर है। आपने ए बी सी ऊपर ऐसे लिख लेना, वहाँ पे आपको जो है एक बोर्ड दिया जाएगा, साथ बोर्ड मार्कर दिया जाएगा, वहाँ पे आप ए बी सी पूरी लिख लें, क्योंकि हर इंटेलिजेंस टेस्ट में ऐसे क्वेश्चन ज़रूर आते हैं जिसमें ए बी सी लिखना ज़रूरी है। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24 है, व्हाट इज़ द मिसिंग लेटर, तो आपने मिसिंग लेटर फाइंड करना है। अब ये ट्राइंगल्स हैं, इनके बाहर भी नंबर दिए गए और अंदर भी नंबर दिए गए, अगर आप बाहर वाले नंबर को ऐड करें जो आंसर आया उसको रिवर्स कर दें तो आपके पास अंदर वाला नंबर आएगा, जैसे 10, 4 और 18, इनको प्लस करें तो 32 आता है, लेकिन ऑपोजिट करें तो 23 आता है, इसी तरह 9, 23 और 7 को प्लस करें तो 39 आता है, उसको ऑपोजिट करें तो 93 आता है, इसी तरह आपने 20, 40 और 12 को प्लस करना है तो वो जो आंसर आएगा, ठीक है, 74 आएगा, 40 + 22 आ जाएगा 62, 62 + 12 = 74, 74 को अपोजिट करें 47, सो ऑप्शन इज़ करेक्ट। देन व्हाट नंबर कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज, इसमें भी आपने अल्फ़ाबेट लिखने हैं, हमें दिए गए हैं ई जे और एन और क्यू, इनकी सीरीज़ दी गई, तो इसमें आगे क्या आता है, ई और जे में जो डिफरेंस है 1, 2, 3, 4 का डिफरेंस है, ठीक है, जे और एन में 3 का डिफरेंस है, एन और क्यू में 2 का डिफरेंस है, तो नेक्स्ट में 1 का डिफरेंस होना चाहिए, यानी आर छोड़ के एस, सो एस इसका आंसर है। नेक्स्ट है चूज़ द वर्ड दैट डज नॉट बिलोंग, ठीक है, सेलरी, बनाना, पी आर पी,
तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, क्योंकि जो बनाना पी और पी है ये फ्रूट है, तो सेलरी डिफरेंट वर्ड है. चूज़ द वर्ड दैट डज नॉट बिलोंग टू. इसमें जो है ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, पैराशूट, क्योंकि लंग में, बैलून में, फेंस में और टायर में, इन तीनों, इन चारों में हवा डाली जाती है और ये इसको फिर क्लोज होते हैं, ठीक है, इनको क्लोज किया जाता है. लेकिन जबकि पैराशूट ओपन होता है, इसमें हवा नहीं डाली जाती खुद, ठीक है, ख़ुद इसको फुलाया नहीं जाता, बल्कि हम जब हवा में छलांग मारते हैं तो हवा ख़ुद इसके अंदर आ जाती है, हमें डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती. चूज़ द वर्ड दैट डज नॉट बिलोंग टू, ठीक है, माइल, ईयर, मंथ, डे. ईयर, मंथ, डे जो है वो बिलोंग करते हैं एक दूसरे से. ईयर में मंथ होता है, मंथ में डेज़ होते हैं, लेकिन डेज़ में कभी माइल नहीं होते. तो माइल इज़ डिफरेंट वन. चूज़ द वर्ड दैट डज नॉट बिलोंग टू. टॉपिक, टॉप, साइड, बैक, फ्रंट, इनसाइड. तो टॉप पोजीशन बता रहा है कि सबसे ऊपर वाली पोजीशन, बैक पीछे वाली, फ्रंट सामने वाली, इनसाइड अंदर वाली. लेकिन साइड जो है वो कोई पोजीशन नहीं बता रहा कि कौन सी साइड, ठीक है. चूज़ द वर्ड दैट डज नॉट बिलोंग, हेयर ड्रायर, सा, अलार्म और सायरन. ये सब इलेक्ट्रिक है, जो सा है वो इलेक्ट्रिक नहीं है, तो सेकेंड वाला करेक्ट है. चूज़ द वर्ड दैट डज नॉट बिलोंग टू, हैप्पी, अनॉयड, प्लीज और ग्लेड. हैप्पी, प्लीज और ग्लैड, इन तीनों का मतलब है खुशी, भी आना, खुश रहना. अनॉयड का मतलब डिफरेंट है. चूज़ द वर्ड दैट डज नॉट बिलोंग विद, वायलिन, बगल, हाप और गिटार. ये सब यूज़ होते हैं म्यूज़िक प्रोड्यूस करने के लिए, जबकि सुंडल नहीं होता, इसलिए ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. चूज़ द वर्ड ऑफ टर्म दैट डज नॉट बिलोंग, थेरी, ओपिनियन, बिलीव, आइडिया, व्यू. थेरी हम कोई पढ़ लेते हैं तो उस पर उसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ये करेक्ट है. ओपिनियन भी हम किसी का मान लेते हैं, ठीक है, आइडिया भी मान लेते हैं, व्यू भी मान लेते हैं, लेकिन बिलीव किसी का नहीं मानते. कोई भी अगर मुस्लिम है तो वो नॉन मुस्लिम का बिलीव कभी भी नहीं मानता. चूज़ द करेक्ट वर्ड दैट डज नॉट बिलोंग टू, अमाउंट, क्वालिटी, कॉस्ट, फी, प्राइस. तो जो अमाउंट है, कॉस्ट है, फ़ी है, प्राइस है, ये सब पैसों के बारे में बता रहे कि ये इसका, ये कितने पैसों के हैं, ठीक है, जबकि क्वालिटी ये नहीं बताती. चूज़ द वर्ड दैट डज नॉट बिलोंग टू, फादर, नीस, सिस्टर, डॉटर, ठीक है, अबू, बहन और जो बेटी, ये करीबी रिश्तेदार है, नीस, भांजी, ठीक है, ये थोड़ा दूर का है, इसलिए ऑप्शन बी इज़ करेक्ट.